डीजी फिल्मिंग को सब्सक्राइब करिए और फिर बेल बटन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हाय नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुंबई फिल्म नगरी यानी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, यानी आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आ सकें। इसके लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। पहला है विल पावर, यानी आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि यस मैं वहां जाऊंगा और फिल्म इंडस्ट्री में कोई कामयाबी हासिल करके ही लौटूंगा। तो लौटूंगा वाला शब्द को यहां से आप हटा दीजिए, क्योंकि जो यहां आता है वो कामयाबी के शिखर तक ही जाता है, जब लौटता है तो हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो लौटने वाली चीज हटा दीजिए, यानी जब आप जिस ट्रेन से या जिस गाड़ी से या जिस नाव से आप इस मुंबई नगरी में आते हैं उस चीज को जला दीजिए, उस चीज को हटा दीजिए कि लौटने का कोई गुंजाइश ही ना बचे। अगर ऐसा विल पावर आपके अंदर है तो स्वागत है आपका फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में। यूएसपी, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी यूएसपी क्या है। यूएसपी का फुल फॉर्म होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपको लोग क्यों लेंगे, आपको किसी फिल्म में एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए सिनेमाटोग्राफर, एज ए किसी भी तरह के पोस्ट पर क्यों एक्सेप्ट करेंगे, आपकी यूएसपी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा सोचता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है, कोई बहुत अच्छा एक्ट कर सकता है, तो उसको पता रहता है कि यस मैं बहुत अच्छा करता हूं और मैं बहुत अच्छा करता हूं, जो लोग हैं उनसे भी बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो ये जब विश्वास होता है, ये जब उसको विश्वास ही नहीं, उसको यूएसपी का पता रहता है कि मेरी सेलिंग पॉइंट, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो क्या है, तो वो सफल होता है। तो आपको पता होना चाहिए मुंबई आने से पहले कि आपका यूएसपी क्या है। तीसरा और लास्ट, जो आपका यूएसपी है यानी जिस इंडस्ट्री में यानी जिस फील्ड में आपको काम करना है उसके बारे में आपका बेस नॉलेज कितना है। आप सोचते हैं कि आपको एक्टिंग आती है, वाकई में आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन एक्टिंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। आप बहुत अच्छे डायरेक्शन के लाइन में सोच सकते हैं, लेकिन एज ए डायरेक्टर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो यहां आकर आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने घर पर, अपने गांव पर, अपने घर, अपने शहर, जिस जगह पर भी हैं, सबसे पहले जो आपका यूएसपी है, जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उसको जानिए। उसके बाद उसके बेस को मजबूत करिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इतना तो करिए ताकि यहां आने के बाद कोई चीज आपको नई ना लगे, तो आप डेफिनेटली यहां पर सफल हो सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट याद रखिएगा मेरे, पहला है विल पावर, दूसरा है यूएसपी, तीसरा है नॉलेज, यानी जिस चीज के लिए आप आ रहे हैं उसका प्रॉपर बेस नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नमस्कार।